एवरीवन एंड वेलकम टू कृष मैथमेटिक्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल। लास्ट वीडियोस में हमने थ्योरम 10.1 और 10.2 की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उन्हें देखिए फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा क्योंकि वो जरूरी है अच्छी लर्निंग के लिए। अब बिना देरी करे कंटिन्यू करते हैं थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.3 कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। यानी अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। सपोज ये हमारा सर्कल है, कुछ सेंटर हो और ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, ये है इसके परपेंडिकुलर सपोज एम। ठीक, तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डल रहा है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जो ए बी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ए एम इक्वल्स टू ए बी। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और प्रूफ क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, यानी इन दोनों पार्ट्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। जैसे कि पहले दोनों थ्योरम्स में हमने किया था, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, उसी तरह से हम यहां पे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पहले जॉइन ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों को हमने जॉइन कर दिया। अब हम यहां से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की हेल्प लेनी है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके सीपी सीपी से हम इसे इक्वल कर देंगे। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन चीज चाहिए। पहली चीज तो ओ एम ओ एम कॉमन है, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। पहली बात ओ एम कॉमन है, सो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन। सेकेंड वन इज ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये सर्कल है और ये दोनों इसके रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होंगे एक सर्कल के। तो मैंने लिखा ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्यों है रेडियाई। ठीक है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इधर से भी 90 होगा और इधर से भी 90 होगा, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, क्यों ईच 90 डिग्री। अब क्योंकि हमने राइट एंगल लिया है, हाइपोटेन्यूज लिया और एक साइड लिया, देयरफॉर बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो सीपी सीटी से हम ये इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय सीपी सीटी ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजी सी थ्योरम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक दो ही है, लेकिन ये दो नंबर में आपको मिल सकती है पेपर में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। अब एक इसका क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब वो सर्कल जो एक ही सेंटर में बने होते हैं, तो उनमें कॉर्ड पास हो रही है, यानी कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल्स में से पास हो रही है। तो गिवन यही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसमें से कॉर्ड पास हो रही है, और प्रूफ ये करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो जैसा कि मैंने बोला थ्योरम 10.3 का क्वेश्चन है तो हम उसका यूज करेंगे। अब क्योंकि ये कॉर्ड है और हमारे पास सेंटर है तो सीधी सी बात है हम यहां से क्या डालेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर। भई हमारे पास सेंटर है हमारे पास कॉर्ड है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, अभी पढ़ी थी थ्योरम कि उसमें सेंटर और कॉर्ड की बात की गई है और परपेंडिकुलर हम खुद डाल ही लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ओ से यानी सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला अपनी कॉर्ड पर, तो यहां पे लिख भी देते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक,
अब क्योंकि परपेंडिकुलर डाल दिया हमारे पास दो सर्कल है, तो दोनों सर्कल्स में ही ये थ्योरम लगेगी। कैसे भाई? देखो अब अंदर वाले सर्कल में देखते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड बीसी के, कॉर्ड बीसी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी देयर फोर बी एम इक्वल्स टू सी एम लिख सकता हूं मैं, क्योंकि भाई अभी हमने थ्योरम 10.3 में यही पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डले तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, तो इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। अब उसी तरह ऑल्सो ओ एम परपेंडिकुलर टू, यहां पर आप चाहे तो क्लैरिफिकेशन के लिए कॉर्ड भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एडी, ठीक। अब क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर है तो इसे भी बाइसेक्ट करेगी, देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू डी एम, थ्योरम 10.3 की वजह से ही, ठीक है। तो इसे पहली इक्वेशन मान लिया, इसे दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब हमें चाहिए क्या? हमें ए बी चाहिए। ए बी कहां से मिलेगा? ए बी मिलेगा जब हम ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे, यानी इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, तो एल एच एस से एल एच एस माइनस होगा, यानी ए एम माइनस बी एम इज इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम, ठीक है। अब ए एम में से बी एम को माइनस करा तो ए बी, और डी एम में से सी एम को माइनस करा तो सी डी। तो इस क्वेश्चन में यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सी थ्योरम है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं थ्योरम 10.4 पे। सो हियर इज थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.4 थ्योरम 10.3 की कन्वर्ज है, यानी उसकी उल्टी है। जैसे थ्योरम 10.3 कहती थी अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगी, ये उल्टा है, ये कहती है कि अगर बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर है। थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसे है, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड टू बाइसेक्ट इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी सेंटर से जो अगर कोई लाइन आ रही है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो इसे एक फिगर से देखते हैं जरा, जैसे एक सर्कल है हमारा, इसका सेंटर ओ और एक एक कॉर्ड है ए बी। अब यहां से एक लाइन जा रही है ओ एम, हमें ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर, हमें बस पता है ये लाइन आ रही है और ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन क्या है भाई इसमें? ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब प्रूफ भी उसी तरह करेंगे जैसे पहले करा था, कंस्ट्रक्शन करेंगे जरा इसमें, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ड्रॉ कर देंगे, कर दे, दो ट्राइंगल बन गए। अब इन्हें 90 डिग्री में प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें हमें 90 डिग्री दे नहीं रखा, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। तो पहली चीज ओ एम, सो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, क्यों? कॉमन है, ठीक। सेकेंड वन इज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों भाई? रेडियस है, दोनों रेडियस है हमारे। और तीसरा क्या, जो हमें गिवन दे रखा है, तीसरी साइड ए एम इक्वल्स टू बी एम, ठीक, ये गिवन दे रखा है, ठीक है। तो भाई बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्गेंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मैं सीपीसीटी से इन एंगल्स को इक्वल कर लेता हूं, तो मैंने लिखा बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ। चलो भाई एक स्टेप हो गया इसका, अब सेकंड स्टेप पे आ जाए जब इसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और एम उसके बीच में पॉइंट है और यहां से एक लाइन जा रही है,
तो ये कुछ बन रहा है जिस चीज को हम लीनियर पेयर कहते हैं, यानी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी कहीं से लाइन निकल रही हो तो इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये टोटल मिलके स्ट्रेट एंगल बना लेता है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर है, ठीक। अब मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूं कि ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल है, तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे मैं बी एम ओ की जगह ए एम ओ लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि है तो दोनों इक्वली, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो टू एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दो से कट गया 90 डिग्री, तो एंगल ए एम ओ क्या आ गया 90 डिग्री। तो हैंस प्रूफ दैट ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, इसका स्टेटमेंट यहां से लिख देंगे। Hence prove that line from the center of the circle to the chord to bisect it is perpendicular to the chord. ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये जो थ्योरम है इसका क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन हाँ थ्योरम ये प्रूफ करने को पेपर में आपको मिल सकती है। इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिए।